नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के दौरे पर हैं। मोदी ने नोएडा में मेट्रो के नए रूट का उद्घाटन किया, 32,000 करोड़ की योजनाओं का आगाज किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर करारा वार भी किया। और जब से आपने मुझे बिठाया है, साथियों, आपको आश्चर्य होगा, कहां 65 साल और कहां 5 साल। दोस्तों, 65 साल में 2.5 लाख मेगावाट और पिछले मेरे आने के बाद 5 साल भी अभी पूरे नहीं हुए हैं, 5 साल में हमारी सरकार ने 1 लाख मेगावाट से अधिक कैपेसिटी तैयार की है। 65 साल में 2.5 लाख, 5 साल में 1 लाख। अब आप सोचिए, वो पुराने थके हुए लोगों से देश चलता तो कहां गया होता जी, कितने दशक बीत जाते। लेकिन नया भारत अब नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, वर्षों तक देश के पावर सेक्टर की उपेक्षा किए जाने की वजह से इस सेक्टर को बहुत बड़ी कमजोरी बन गया था। हमारी सरकार 21वीं सदी में देश की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है। पहले की सरकारों ने इसे प्राथमिकता नहीं दी थी। देश में कैसे पावर सेक्टर को नजरअंदाज किया गया, देश की ऊर्जा जरूरतों को नजरअंदाज किया गया, इसका एक उदाहरण कल ही कानपुर में मुझे दिखाई। पाकिस्तान ने खुद ने कहा, सबसे पहले ट्वीट पाकिस्तान ने किया कि हिंदुस्तान की सेना ने हमारे गजर में घुस करके मारा है। उन्होंने कहा हमारे देश में ऐसे सरफरे लोग हैं, उन्होंने 7-8 बजते बजते क्या चालू किया पता नहीं, ये बालाकोट कहां है, ये हिंदुस्तान, ये आपने देखा होगा, ये टीवी पर था, यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिए, उनके उनके ऑनलाइन मैगजीनों में था, अभी तो 3-4 घंटे हुए थे, शुरू हो गए। ये पाकिस्तान कह रहा है मारा, पाकिस्तान बोल रहा है हमें मारा, मोदी आकर के मार के चला गया, वो बोल रहा है। और यहां लोगों की नींद हराम हो गई, वो क्या कर रहे थे, सुबह 7-8 बजे शुरू कर दिया। ये बालाकोट हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, ये बालाकोट भारत की सीमा में है कि पाकिस्तान की सीमा में है, ये बालाकोट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है कि हमारे कश्मीर के बगल में है, ये बालाकोट अभी तो पूरी जांच भी नहीं कि पाकिस्तान रो रहा है और यहां उनकी मदद करने के लिए निकल पड़े, देश को गुमराह करने के लिए हमारे ही देश का खाना खाने वाले चिल्ला चिल्ला करके कहने लग गए। और जब 3 घंटे के बाद पता चला, अरे बाप रे, ये मोदी तो वहां जाके आया, तब जाकर वे चुप हुए, वरना 4-5 घंटे तक यही चलाया कि बालाकोट यहां है कि वहां, यहां है कि वहां। अरे देश की सेना कहती है, पाकिस्तान खुद रो रहा है, तो किसी हिंदुस्तानी के मन में शक होना चाहिए क्या, जिसकी रगों में हिंदुस्तान का खून है उसको शक होना चाहिए क्या, जो भारत के तिरंगे झंडे को प्यार करता है उसको शक होना चाहिए क्या, जो भारत मां की जय बोलता है उसको शक होना चाहिए क्या, ये शक करने वाले लोग कौन है। ऐसे लोगों की बातों पे भरोसा करेंगे क्या, ऐसे लोगों की बातों पे भरोसा करोगे क्या। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, 2014 से लेकर हम निरंतर
नए भारत की मजबूत नींव तैयार करने का काम कर रहे हैं। हमने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने, देश के लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम किया है। अब आने वाले समय देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का है। बीते 5 वर्षों में हमने नए भारत की जो नींव बनाई है, अब आने वाले वर्षों में उस पर वैभवशाली भारत की इमारत तैयार होगी। ऐसा भारत जो सफल हो, ऐसा भारत जो सक्षम हो, ऐसा भारत जो सुरक्षित हो। साथियों, नए हिंदुस्तान का सामर्थ्य जो दुनिया अनुभव कर रही है, नीति और रीति में जो बदलाव दिख रहा है, उसके पीछे कौन है? इसके पीछे आप हैं। 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति है, इसके पीछे आपके आशीर्वाद है। इस विश्वास के साथ आपके आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहेगा, इसी भाव के साथ आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत दिखाया, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। पाकिस्तान रो रहा है, यहाँ लोग उनकी मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बहाने सीधे सीधे यहाँ पर कांग्रेस पर करारा वार किया है, उन लोगों पर वार किया है जो सर्जिकल स्ट्राइक स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे। और आज भारत नई रीति और नई नीति पर चल रहा है। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं। आप मुझे बताइए, मैंने सही किया कि नहीं किया? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या सरकारें सोती रहे वो आपको मंजूर है? चौकीदार सो जाए आपको मंजूर होगा? आपको जागने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को जिताने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, उरी के बाद सबूत मांग रहे थे, सबूत। अभी पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया, ऐसा काम दशकों तक कभी नहीं हुआ। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। आतंकियों को, उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी, टैंक ला करके रख, पता नहीं क्या क्या रख दिया उन्होंने, यहां सारी सजावट कर दी, हम ऊपर से चले गए। और मजा देखिए, हम तो ये साहब कर करके चुप थे, रात के 3:30 बज गए थे, देश को क्यों जगाना भाई। लेकिन ये ऐसी
ये घटना इतनी बड़ी थी, कि रात को 3:30 बजे पाकिस्तान की नींद खत्म हो गई। हम तो चुप थे, हम सोच रहे थे क्या होता है देखते हैं। पाकिस्तान ऐसा घबरा गया था कि 5 बजे उसने ट्वीट कर करके रोना शुरू कर दिया, मोदी ने मारा, दुनिया को उनकी हालत बिगड़ी है इसके समाचार हमने नहीं दिए, पाकिस्तान ने दिए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था देश को खबर पहले हमने की थी, इस बार हम देखते हैं नए तरीके से आगे बढ़ेंगे, और वही रोने लगे। वो तो यही सोच रहे थे कि भारत पर घाव किए जाओ, हमले किए जाओ, प्रॉक्सी वॉर किए जाओ, भारत तो कुछ नहीं करेगा, वो हाथ पर हाथ जोड़ करके बैठा रहेगा। देश के दुश्मनों में भारत के प्रति ये जो सोच बनी है, तो उसका मूल कारण 2014 के पहले जो सरकारें थी रिमोट कंट्रोल वाली, उनका रवैया ऐसा था, इसके कारण इनको आदत हो गई थी। और जब से आपने मुझे बिठाया है, साथियों आपको आश्चर्य होगा, कहां 65 साल और कहां 5 साल दोस्तों। 65 साल में 2.5 लाख मेगावाट, और पिछले मेरे आने के बाद 5 साल भी अभी पूरे नहीं हुए हैं, 5 साल में हमारी सरकार ने 1 लाख मेगावाट से अधिक कैपेसिटी तैयार की है। 65 साल में 2.5 लाख, 5 साल में 1 लाख। अब आप सोचिए, वो पुराने थके हुए लोगों से देश चलता तो कहां गया होता जी, कितने दशक बीत जाते। लेकिन नया भारत अब नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, वर्षों तक देश के पावर सेक्टर की उपेक्षा किए जाने की वजह से एक सेक्टर को बहुत बड़ी कमजोरी बन गया था। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।